अब अगर करंट कंजम्पशन, मेजर्ड कंजम्पशन ज़्यादा हो गई परमानेंट कंजम्पशन से, मिसाल आपकी करंट आपकी आपकी कंजम्पशन है परमानेंट कंजम्पशन, लेट सपोज आपकी 30,000 रुपये, 30,000 आपकी करंट कंजम्पशन है, परमानेंट कंजम्पशन है, करंट आपकी 35,000 हो गई, तो ट्रांजिटरी इस केस में 5,000 आपसे ज़्यादा हो गई, ट्रांजिटरी कंजम्पशन कितनी की पॉजिटिव होगी। करंट आपकी 30 है, मेजर्ड आपने 25,000 कर ली, परमानेंट आपकी 30 होती है, आपने 25 कर ली, तो जाहिर बात है 5,000 कम कर ली, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गई, क्या हो गई ट्रांजिटरी कंजम्पशन, क्या हो गई नेगेटिव। अगर आपकी परमानेंट 30,000 है, आपने कर भी ली 30,000, तो आपकी ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अब इस थ्योरी में कुछ एजम्पशंस हैं, वो ये हैं कि कोरिलेशन है, आर कोरिलेशन के यूज होता है, कि कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी सॉरी इनकम, परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम इज जीरो, यानी जरूरी नहीं है कि आपकी परमानेंट इनकम ज्यादा हो तो ट्रांजिटरी इनकम भी ज्यादा या कम होगी, इसका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, मीन आपस में कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ज्यादा कम कोई कोई भी हो सकती है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि परमानेंट इनकम ज्यादा है तो ट्रांजिटरी भी ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसी तरह कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजम्पशन का भी ये कहते हैं कि ये क्या है, कोरिलेशन जीरो, यानी किसी की ट्रांजिटरी इनकम ज्यादा होती है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटरी कंजम्पशन भी उसके ज्यादा हो। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड का इनकम और अनएक्सपेक्टेड कंजम्पशन के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह परमानेंट कंजम्पशन के बीच में और ट्रांजिट परमानेंट कंजम्पशन के बीच में और ट्रांजिटरी कंजम्पशन के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन हो, कोरिलेशन का मतलब होता है, ठीक है, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप मेन कंजम्पशन फ्रेडमैन की थ्योरी की तरफ आ गई, ये तमाम जितनी भी चीज़ें की ये बुनियाद थी, ये बेस थी इस थ्योरी के लिए। अब थ्योरी कहती है, थ्योरी कि परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, यानी परमानेंट कंजम्पशन डिपेंड करती है परमानेंट इनकम पे, ट्रांजिटरी इनकम ट्रांजिटरी कंजम्पशन वो चीज़ें नहीं है इसमें आती हैं। ठीक है, और वो जो यहाँ पर किंग्स यहाँ पर जो इसकी शक्ल कर लेता है, तो परमानेंट कंजम्पशन इज इक्वल टू के डिवाइड बाई के इंटू वाई पी, वर वेयर के इज प्रोपोर्शन इक्वल टू सी पी बाई डिवाइड बाई वाई पी, यहाँ पर के किसके बराबर है, ये वाई पी को इस साइड पे कर लें तो ये क्या होता है, इसका मतलब है कि आप परमानेंट इनकम का कितने परसेंट खर्च करते हैं, के क्या है, आप परमानेंट इनकम का कितने परसेंट खर्च कर लेट सपोज के का जवाब 0.85 आ गया, 0.85, तो इसका मतलब है कि आप परमानेंट इनकम का 85% खर्च कर रहे हो, ए पी सी है ना, के क्या हो गया, ए पी सी हो गया ना, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इस थ्योरी का अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या है थ्योरी में मेन थ्योरी कहता है, सिर्फ ये थ्योरी है कि परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, ओके, दिस इज थ्योरी। पीछे जो ये जितनी चीजें थी ना, ये तमाम इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, कि क्या है माइक्रो एनालिसिस, क्या कहती है कि परमानेंट इनकम किसे कहते हैं, फिर हमने यहाँ के लिए परमानेंट इनकम हासिल कैसे होती है, ठीक है, उसके दो सोर्सेज हो गए, फिर इसमें तीन किस्म की इनकम है, मेजर्ड ऑब्जर्व इनकम हो गई, मेजर्ड इनकम हो गई, जो इज इक्वल टू है, मेजर्ड इनकम इज इक्वल टू है परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम के। अब परमानेंट इनकम क्या चीज़ है, ट्रांजिटरी इनकम क्या चीज़ है और मेजर्ड इनकम क्या चीज़ है, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर इसी तरह कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन के भी तीन पार्ट हो गए, मेजर्ड कंजम्पशन इज इक्वल टू परमानेंट कंजम्पशन प्लस ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरी हमने पेश कर ली कि परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम का। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीपी, सीपी जो है ये अभी इसका वो करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, गौर से देखें इसको, यहाँ पर शुरू करते हैं, मेट से शुरू करेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी, जब हम करेंगे मेट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम कहेंगे कि जी हमने ओ एक्स एक्सेस पर इनकम ली है, तीनों किस्म की इनकम ली है, मेजर्ड इनकम ली है, मेजर्ड इनकम ली है और परमानेंट इनकम ली है, मेजर्ड इनकम और परमानेंट इनकम ली है, कंजम्पशन यहाँ पर हम जो ली हमने मेजर्ड कंजम्पशन ली है और परमानेंट कंजम्पशन ली है, ट्रांजिटरी इसमें नहीं आते। ठीक है, अब देखो इधर हम कहेंगे कि जी पॉइंट एच पे ठीक है, अच्छा ये वाली जो लाइन है ना, ये 45, ये जो मैंने बिल्कुल ये छोटी सी लकीर है ये ना,
ये 45 लैंड है, 45 लैंड पे तमाम की तमाम इनकम खर्च होगी, 45 लैंड पे तमाम की तमाम इनकम क्या होगी, खर्च। तो हम जब भी कंजम्पशन फंक्शन बनाएंगे तो कंजम्पशन फंक्शन तो इस 45 डिग्री से नीचे बनाएंगे, ये इससे ऊपर नहीं बनाओगे। अच्छा, फिर एमपीसी 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर हम ये जो मैंने डॉट लाइन ड्रॉ की, ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन है, ये इस 45 एंगल से नीचे होगी, ठीक है, ये इस पे तमाम की तमाम इनकम खर्च हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट एच ले लिया, पॉइंट एच पे मेरी मेजर्ड इनकम यानी करंट इनकम परमानेंट इनकम के बराबर है, और मैं खर्च कर रहा हूँ या कोई भी कंज्यूमर जो है वो खर्च कर रहा है एच 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 वाई पी खर्च कर रहा है, कितनी उसकी कंजम्पशन है एच वाई पी, ठीक है। एट पॉइंट एच द मेजर्ड इनकम इज इक्वल टू परमानेंट इनकम एंड द कंज्यूमर इज ऑन पॉइंट एच एंड ही इज ऑन द प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन, दिस प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन सी पी इज इक्वल टू के वाई एस पर है, इस पर लाई करता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम मैं कहूंगा कि जी लेट सपोज ठीक है, लेट सपोज हिज परमानेंट इनकम इंक्रीजेस टू वाई पी टू, व्हाट हिज परमानेंट इनकम इंक्रीजेस टू वाई पी टू, इनकम बढ़ जाती है इस पॉइंट से, इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो कितनी कंजम्पशन करेगा, जब परमानेंट इनकम बढ़ती है तो वो परमानेंट कंजम्पशन इसी 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 कर पे ऊपर जाएगा, बी पॉइंट कंजम्पशन करेगा, बी वाई पी टू उसकी कंजम्पशन हो गई, कितनी हो गई, बी वाई पी टू कंजम्पशन हो गई, ठीक है। तो ही इज ऑन द लॉन्ग रन, ही इज ऑन द सॉरी लॉन्ग रन नहीं है, ही इज ऑन द प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। लेट सपोज करते हैं उसकी ट्रांस मेजर्ड इनकम बढ़ जाती है, मेजर्ड करंट इनकम बढ़ जाती है, करंट इनकम बढ़ जाती है वाई एम टू की, वाई एम टू की, वाई एम टू बढ़ जाती है। अब उसकी पहले वो कितना खर्च कर रहा था, बी वाई पी टू, उसकी मेजर्ड इनकम बढ़ जाती है तो वो याद रखो वो अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करेगा, परमानेंट कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये इंक्रीज ट्रांजिटरी है, क्या है, ट्रांजिटरी इंक्रीज है, और ट्रांजिटरी इंक्रीज इंक्रीज से वो ये वो अपनी परमानेंट कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करेगा, परमानेंट कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करेगा। परमानेंट कंजम्पशन वो होती है कि वो हर महीने इंक्रीज करे, उसको पता है कि ये सिर्फ एक महीने की कंजम्पशन है, सॉरी एक महीने की इंक्रीज है इनकम में, तो वो क्या करेगा, वही जो बी खर्च कर रहा था बिल्कुल आ जाए इसी इनकम पर, इसी इनकम पे जितना भी वो खर्च कर रहा था उसी जितना वो खर्च करेगा ए वाई एम टू, ये कंजम्पशन और ये कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। सो एच पॉइंट से मैं ए पॉइंट की तरफ आ जाऊंगा, ये क्या हो गया, ये मेजर्ड करंट कंजम्पशन है, करंट देखो इधर, बी वाई पी टू करंट, ये परमानेंट कंजम्पशन है, बी बी वाई पी टू क्या क्या है, परमानेंट कंजम्पशन है, और ए वाई एम टू ये क्या है, करंट कंजम्पशन है, करंट, बी वाई पी टू परमानेंट कंजम्पशन है, ए वाई एम टू क्या है, करंट इनकम में से या ऑब्जर्व इनकम में से खर्च हो रहा है, वही खर्च है, तो ए पॉइंट आ गया, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, परमानेंट इनकम में से खर्च, ए पॉइंट क्या है, करंट इनकम में से खर्च, बी पॉइंट क्या है, परमानेंट इनकम में से खर्च, ए पॉइंट क्या है, मेजर्ड या करंट इनकम में से खर्च, ठीक है। अब आगे देखें इधर, ये मैंने इंक्रीज की बात कर ली, फिर मैं दोहराता हूँ थोड़ा सा, अगर पॉइंट एच पे हम हैं तो इसका मतलब है परमानेंट इनकम और करंट इनकम बराबर है, तो हम पॉइंट एच पे है, करंट परमानेंट इनकम खर्च कर रहे हैं कितनी एच, ठीक है, एच वाई पी हम खर्च कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ परमानेंट इनकम बढ़ जाती है वाई पी टू, जब बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद हमारे पास जो कंजम्पशन है परमानेंट कंजम्पशन बी वाई पी टू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मेजर्ड इनकम बढ़ जाती है तो वो अपना परमानेंट इनकम परमानेंट कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वही मेजर्ड इनकम वही अपना रखेगा ए वाई पी वो ए वाई एम टू, तो ये मेरे पास हो गई मेजर्ड इनकम में से कंजम्पशन, ठीक है। अब लेट सपोज करते हैं एच पॉइंट से दोबारा हम सपोज करते हैं कि इनकम कम हो गई, यहां पर वाई पी वन की तरफ आएंगे तो हम इसी से कंपैरिजन करेंगे, एच पॉइंट से हम कहेंगे जी इनकम कम हो गई वाई पी वन, तो जब इनकम कम हो गई तो वो परमानेंट कंजम्पशन भी कम कर देगा, एफ वाई पी वन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एफ वाई पी वन। अगर उसकी मेजर्ड करंट इनकम कम हो गई, और भी करंट इनकम कम हो गई वाई एम वन, उसकी करंट इनकम हो गई करंट इनकम, तो वो अपनी परमानेंट कंजम्पशन को कम नहीं करेगा, वही ई
क्या करेगा, ई एफ एफ और वाई पी वन कर रहा था, जितनी कंजम्पशन वो इधर भी करेगा, ठीक है। तो ये करंट कंजम्पशन हो जाएगी, करंट कंजम्पशन। अब करंट कंजम्पशन ई करंट कंजम्पशन है, एच भी करंट कंजम्पशन है और ए भी करंट कंजम्पशन है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओ तो आपको एक कर्व मिल जाएगी, जो कर्व होगी करंट इनकम में से, किसके करंट कंजम्पशन कर्व है, क्या है, करंट कंजम्पशन। और करंट कंजम्पशन किस चीज का फर्क है, फंक्शन है करंट इनकम का। और ये देख लो परमानेंट इनकम किस चीज का फंक्शन है, परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम का। ये दो किस्म की कर्व मुझे मिल गई। इस फ्रेडमैन थ्योरी में मुझे ये बात चली कि परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम का और करंट कंजम्पशन फंक्शन है करंट इनकम का। परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है